कृष्णा ने मिलकर किरमाड़ा का खात्मा किया था। हम इस जीत को याद रखने के लिए ही एक नाटक तैयार कर रहे हैं। हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई के सामने छोटी पड़ जाती है। पर तुम सब में से कृष्णा कौन बनेगा? मैं बनूंगा कृष्णा। पर उस्ताद, अगर आप कृष्णा बनेंगे तो किरमाड़ा कौन बनेगा? वही तो सबसे ताकतवर था। नाटक के अंत में भीम उसकी चट्टी बनाएगा। क्या कहा तुमने? हम तो बस यही कह रहे थे कि किरमाड़ा के सामने तो भीम भी नहीं टिक पाया था। हम तो बस यही कह रहे थे कि किरमाड़ा के सामने तो भीम भी नहीं टिक पाया था। फिर क्या, तुम दोनों ने उसे हराया था? पर कान्हा के साथ के बिना किरमाड़ा को हराना नामुमकिन था। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि कल के नाटक में कृष्णा भी हमारे साथ हो। हम सब भी यही चाहते हैं भीम। देख लेना, कल के नाटक में कान्हा जरूर आएगा। पर कान्हा के साथ के बिना किरमाड़ा को हराना नामुमकिन था। बहुत भूख लग रही है उस्ताद। उस्ताद, वो देखिए। इस बंदर को तो मजा चखाता हूँ। भीम और दोस्तों को ये जरूर पसंद आएंगे। पहाड़, कालिया, मेरे केले। बंदर के दोस्त, वो भी इंसान। मैं बंदर। सबको अपना अपना रोल याद है ना? तुम दोनों को भी याद है ना कि भीम के स्टेज पर आते ही तुम्हें क्या करना है? अब कुछ याद आया? उस्ताद, हमें सब याद आ गया। मैं हूँ किरमाड़ा, बड़ा
भयंकर। चलाकर अपना जंतर मंतर करूंगा इस दुनिया पर राज, कोई मुझको रोक पाए नहीं है ऐसा जाबाज। तुझे सबक सिखाने आ गए भीम और कृष्ण। अब चलो मिलकर इस किरमाड़ा को धूल चटाएं। भीम और कृष्णा, ये भीम और कृष्णा दिख रहा हूँ। जरा वो बांसुरी मुँह से लगा कर तो खड़े रहिए। अब बोलो, लग रहा हूँ ना काना? काना का तो पता नहीं, कार्टून जरूर लग रहे हो। तुम दोनों को तो मैं कहा मैं कान्हा बनना चाहता हूँ। ये सब नौटंकी ऐसे ना समझो के लिए है। क्योंकि मेरे ख्याल से तो तुम काफी अच्छे लग रहे थे। थोड़ा मिर्ची और नमक देना।
ये क्या हो रहा है? शायद तुम्हें खाने के बारे में बुरा भला नहीं कहना चाहिए था।